उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटचित में चैत्र मास मेलों का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने पूजा अर्चना करके किया। ये मेले 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलेंगे। इन मेलों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तरी भारत के श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इन मेलों के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर मंदिर न्यास के सदस्य ADC रतन गौतम, SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा भी मौजूद रहे। चैत्र मेलों का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति, ADC रतन गौतम, SP हमीरपुर रमन कुमार मीणा, SDM बड़सर व DSP सहित कई अधिकारियों व न्यायिकों ने मंदिर परिसर में बाबा के अखंड धुने में हवन डाला तथा मेले के सफल आयोजन के लिए पूजा अर्चना की। धुने में हवन डालने के उपरांत जिलाधीश हमीरपुर ने बाबा बालकनाथ की पवित्र गुफा में रोट प्रसाद का भोग बाबा को अर्पित किया। गौरतलब है कि चैत्र मेलों के दौरान बाबा की नगरी श्रद्धालुओं से भर जाती है। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के नाम का जागरण किया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु दंडवत यात्रा कर बाबा के दरबार में शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी 260 के करीब होमगार्ड व पुलिस जवान बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती पूरे द्योटचित में वैरियल मुख्य द्वारों में की गई है ताकि श्रद्धालुओं को बाबा की नगरी में परेशानी न झेलनी पड़े। सभी श्रद्धालुओं की गाड़ियों को बैरियल नंबर 1 पर ही रोक दिया जाएगा। बैरियल नंबर 1 से मंदिर मार्ग तक गाड़ियों का जाना बिल्कुल बैन रहेगा। वहीं उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति ने बताया कि आज से चैत्र मेलों का आगाज हो गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के 100 कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। पानी और शौचालय की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। झंडे की जो रस्म थी वो अदा की गई यहाँ पे, और मेले में क्योंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और खास करके जो शनिवार और रविवार का दिन होता है उस दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, उसी को बड़े इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, और जो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है उसके बारे में विशेष ध्यान रखा जा रहा है।